आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 30,70,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। करीब 10,00,000 लोग रिकवर होकर घर भी गए हैं। वहीं 2,20,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें देश की, देश भर में अब तक 31,797 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 7,797 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। वहीं 1,008 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में अब तक 2,561 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 119 लोगों की मौत हुई है। हम आते हैं निमाड़ पर। निमाड़ में अब तक 142 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 64 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खंडवा में रिकवर होकर 19 लोगों को मिली छुट्टी। अस्पताल के गेट पर खड़े रहकर मांगी दुआ। देश और दुनिया से खत्म हो कोरोना। मंगलवार को जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से 19 कोरोना विजेता बाहर आए। अस्पताल से बाहर आते ही इन कोरोना विजेताओं ने गेट पर खड़े होकर देश और दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ की। साथ ही कहा कि देश के अन्य मरीजों की जान बचाने के लिए वे अपना प्लाज्मा दान करने के इच्छुक हैं। जब जरूरत हो वे एक पैर पर इसके लिए तैयार रहेंगे। बताते चले, जिला अस्पताल में भर्ती 21 में से 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर मंगलवार को अपने घर पहुंचे। अस्पताल में अब जो 2 संक्रमित मरीज हैं उन्हें भी लगभग 2 दिन में छुट्टी मिल सकती है। उनकी रिपीट रिपोर्ट आने पर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। ये लोग जब कोरोना जंग जीत कर निकले तो कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल और एएसपी डॉक्टर शिव दयाल सिंह, जिला पंचायत सीओ रोशन कुमार सिंह, एसडीएम हरसूट डॉक्टर परीक्षित झाड़े, सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी जुक्तावत, आरएमओ डॉक्टर शक्ति सिंह राठौर, एपी डीएमओ लॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया तथा पुष्प वर्षा कर उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर घर के लिए रवाना किया। आज 19 पेशेंट हमारे रिलीज हुए हैं 2 नेगेटिव कंसेक्यूटिव पाने के बाद। 2 पेशेंट और हैं जिनका फर्स्ट नेगेटिव आ चुका है, दूसरा सैंपल लिया जा चुका है, संभावता कल परसों तक उनका भी वो रिलीविंग आ जाएगी। तो हमारे जो फर्स्ट लॉट ऑफ पेशेंट्स हैं वो सारे ट्रीट होके जा चुके हैं। इसीलिए मेरी सबको अपील है कि आप सही टाइम पे हमें सूचित करें। जैसे ही आपको बुखार, ब्रेथलेसनेस, सर्दी खांसी, जुकाम के सिम्टम्स आते हैं, आप उन एरियाज में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है आपके पड़ोसियों में पाया गया है, आप इमिजिएटली हमारी कफ कोल्ड फ्लू ओपीडी में आए, हमको सूचित करें ताकि आपको सही टाइम पे सही इलाज मिल पाए। खंडवा में नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कंटेनमेंट एरिया में किया बदलाव। पड़ावा तक कंटेनमेंट एरिया घोषित। मंगलवार रात कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने गणेश मंदिर के पास पड़ावा क्षेत्र को नया कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इसके साथ ही पूर्व से घोषित खड़गपुरा इमलीपुरा कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमा का पुनः निर्धारण किया गया। अब इसकी जद में रामेश्वर पुलिया, 3 पुलिया, सिनेमा चौक, केवलराम चौराहा, घंटाघर और शेर चौराहा भी आ गए हैं। इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। वहीं मंगलवार देर रात कुल 26 रिपोर्ट में से 16 नेगेटिव आई, इनमें से 10 पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं। CMHO डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि कोरोना वायरस रिपीट सैंपल में कुल 31 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, इनमें से 30 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 1 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में बुधवार को 19 मरीजों की छुट्टी होने के बाद अब कुल 8 मरीज शेष रह गए हैं। खरगोन में वार्ड बॉय और भिकनगांव में एक्सरे टेक्नीशियन हुआ पॉजिटिव। खरगोन में नए कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 6 रिपीटेड पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि 27 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। इस तरह खरगोन में अब तक कुल 70 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं, इनमें से 21 स्वस्थ होकर और 7 की मौत हो चुकी है। नए पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि टेगोर पार्क कॉलोनी के 58 वर्षीय पुरुष व 46 वर्षीय महिला संक्रमित मिले हैं। इनका बेटा और बहू 12-13 मार्च को ऑस्ट्रिया की यात्रा से लौटे हैं।
इसके अलावा कमलानगर निवासी जिला अस्पताल के वार्ड बॉय भी संक्रमित है। इसी तरह ज्योति नगर की 45 वर्षीय महिला, पत्थर दलाल क्षेत्र की 30 वर्षीय महिला व 2.5 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पन्नी बीनने वाले और भीख मांगने वाले लोगों की मदद के लिए पहुंचा KDSS। खटवा और ब्रह्मपुर जिलों में सामाजिक सेवाएं देने वाले KDSS द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन अब गरीबों की मदद कर रहा है। चाइल्ड लाइन KDSS के डायरेक्टर फादर जैन अलेक्स ने बताया, स्लम एरिया में 29 परिवारों का चिन्हांकन किया गया जो पॉलीथीन बीनकर और भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इन सभी परिवारों को कच्चा राशन तथा मास्क का वितरण किया गया। यहाँ पर 81 बच्चे, 31 पुरुष और 33 महिलाएं मौजूद थी। असामाजिक तत्वों पर रासुका के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। जिले के हरसू थाना क्षेत्र के ग्राम बोरीसराय में एक समाज के लोगों के साथ मारपीट करने और धर्मस्थल पर ताला लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद घटना के विरोध में शहर काजी सैयद निसार अली के नेतृत्व में एक दल ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की। दोनों अफसरों को ज्ञापन देकर वैमनस्य फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर पूर्व पार्षद अहमद पटेल, एडवोकेट जुबैर खान एवं इस्माइल खान आदि मौजूद थे। लॉकडाउन के चलते घरों में कैद लोग किस तरह निखार रहे हैं अपनी प्रतिभा, आइए देखते हैं ये वीडियो। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।